आज हम इस तरह का पॉट बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए कोई भी एक हम प्लास्टिक कंटेनर ले लेंगे। और ये देखिए, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से 20 या 25 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। मैंने 2 चमची प्लास्टर ऑफ पेरिस, 1 चमची वाइट ग्लू या फेविकॉल और पानी मिलाकर ले लिया है। इन तीनों को हमें मिलाकर एक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, पानी मिलाकर इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हम ये प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से पूरे कंटेनर पर अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से पूरे कंटेनर पर हम अप्लाई कर देंगे। और ये देखिए, मैंने पूरे कंटेनर पर अब अप्लाई कर लिया है। अब हम किसी पेंसिल या लकड़ी की मदद से उस पर टेक्सचर बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें राउंड कर टेक्सचर बनाना है। पूरे कंटेनर पर इसी तरह से करना है और एक दूसरे के ऊपर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से पूरे कंटेनर पर हम बना लेंगे। और इस तरह से टेक्सचर बनाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, मैंने पूरा टेक्सचर बना लिया है पूरे कंटेनर पे। अब हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। और ये मेरा ड्राई हो चुका है। और अब हम फेविकॉल और पानी मिलाकर ले लेंगे। और ये देखिए, इस पर हम अप्लाई कर देंगे। ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करें, इससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत मज़बूत हो जाता है और जल्दी टूटकर गिरता नहीं है। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्रे, ये हमने मिठाई के डब्बे में से बनाया है। इसकी लिंक आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और ये हमारा ड्राई हो चुका है। और अब हम इस पर ब्राउन एक्रेलिक कलर करेंगे। आप किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्रेलिक या ऑयल पेंट। मैं दोनों तरह के कलर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। जब भी मेरे पास जो कलर अवेलेबल होता है, दोनों ही के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। एक्रेलिक कलर आपको किसी भी स्टेशनरी से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर हैंगिंग प्लांटर, ये हमने वेस्ट प्लास्टिक के बॉटल से और वायर से बनाया है। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और ये मैंने देखिए पूरे कंटेनर को पेंट कर लिया है अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से इस तरह से पेंट कर और हमें ड्राई करने के लिए रख देना है। इस तरह के टेक्सचर वाले हिस्से को पेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम ब्रश को टैप करके पेंट करेंगे। और ये देखिए, अब हम इसे ड्राई करने रख देंगे। और जब हमारा ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इस पर गोल्ड एक्रेलिक पेंट से टेक्सचर बनाएंगे। और ये देखिए, मैंने गोल्ड एक्रेलिक पेंट ले लिया है। और अब हम हमारे कंटेनर को ले लेंगे। और ये देखिए, मेरा ड्राई अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इस तरह से उंगली पर थोड़ा थोड़ा सा गोल्ड पेंट लेकर इस तरह से कंटेनर पर लगाएंगे। ये आप ब्रश से भी कर सकते हो या किसी स्पंज की मदद से भी कर सकते हो। और ये देखिए, उंगली से मैं कर रही हूँ, उंगली से भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से गोल्ड पेंट लगाने से हमारे टेक्सचर भी अच्छे से उभर कर और बहुत ही शाइनिंग हो जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कंटेनर लगने लगा है हमारा। इसी तरह से हम पूरे कंटेनर पर अच्छी तरह से कर लेंगे। मेरे चैनल पर मोस्टली आपको सारे वीडियो वेस्ट मटेरियल से मिल जाएंगे। और ये देखिए, पूरा पेंट होकर तैयार हो चुका है।
आप चाहो तो इसी तरह से इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा नया लुक देने के लिए एक रिबन ले लिया है इस तरह की गोल्ड कलर की, और मैंने इस तरह से देखिए बो भी बना लिया है। और अब हम इसको इस पर कंटेनर के ऊपर फेविकॉल की मदद से स्टिक कर देंगे। और ये जो आप स्क्रीन पर वॉल पीस देख रहे हो ये सिर्फ 20 रुपये के अंदर बन जाता है। इसको बनाने के लिए आप कार्डबोर्ड पे सिर्फ हमें कपड़े को स्टिक कर देना है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी। और ये देखिए हमारा पॉट तैयार हो चुका है और मैंने इसमें प्लांट भी शिफ्ट कर लिया है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।